वंश, प्लीज छुइएगा मत। क्यों? सभी शायद आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डैड, ये तो सांप के काटने का निशान लग रहा है। इसका मतलब सर्प ने पहले पाताल के इतकी की मदद से अंश को कमजोर बनाया और उसके बाद इस पर वार किया। अंश बेटा उठ बेटा, अंश शेखर से प्लीज। निशान जी, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? ये ठीक तो हो जाएगा ना? हे भगवान, ये अंश को क्या हो रहा है? निशान जी, ये अंश को क्या हो रहा है? हे भगवान, आधा नीला आधा हरा। निशान जी, इसका क्या मतलब है? ये अभी नहीं हुआ, बहुत पहले से हो रहा है। ये हमें अभी दिख रहा है क्योंकि ये गर्दन तक पहुंच चुका है। निशान जी, ये क्यों हो रहा है? ये दो अलग अलग तरह के विष का असर है, पाताल खेत की और सर्प विष, और दोनों जहर अंश के शरीर में उसके गर्दन तक पहुंच चुके हैं। और इसका जहर अगर सर तक पहुंच गया तो? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है शेखर जी, सबसे पहले हमें जहर को फैलने से रोकना होगा। डैड, मेरी अभी अभी पंडित जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि डायन वृक्ष की जड़ें जो अंश जी को बचा सकती है। डायन वृक्ष की जड़ें? वो सही कह रहे हैं, डायन वंश और सर्प वंश दोनों डायन वृक्ष से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस गति से जहर फैल रहा है, अंश को हम डायन वृक्ष तक ले जाना बहुत ही कठिन है। आपने सही कहा, हम डायन वृक्ष तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन डायन वृक्ष हम तक जरूर पहुंच सकता है। मतलब डायन वृक्ष को यहाँ बुलाया जा सकता है। तो आप सोच क्या रहे? कुछ कीजिए ना। ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, डायन वृक्ष को सिर्फ डायन या सर्प का ही बुला सकती है, और इस वक्त हमारे बीच उन दोनों में से कोई नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब हम डायन वृक्ष तक पहुंच नहीं सकते और वो हम तक नहीं आ सकता? तो किसने कहा? रूबी, तो वापस जिंदा कैसे हो गई? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी चैताली आंटी। मैं डायन वृक्ष को यहां बुला सकती हूँ, आफ्टर ऑल मैं एक डायन हूं। हर पल कमजोर होती जा रही हूँ। आज की रात रक्त चंद्र पूर्णिमा की रात है, मेरे पास अमर होने का और सबसे शक्तिशाली बनने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो सही कहते हैं लोग, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। लेकिन पता है उससे बुरी बात क्या है? मौत, जो मुझे तुझसे ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रही। बहुत हंसी आ रही है तुझे? लगता है तू ये भूल गई है, ये जो तू मेरे सामने जीती जागती खड़ी है, ये सिर्फ मेरी मेहरबानी की वजह से। तूने मुझे बचाया था सिर्फ अपने फायदे के लिए। अगर तुझे सच में मेरी परवाह होती तो तू मुझे उस रीवा वंशी के तहखाने में ना छोड़ देती। अब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी और तुम पूरी जिंदगी इस तहखाने में सड़ती रहोगी। तू एक खुदगर्ज और धोखेबाज डायन है जो सिर्फ
अपना फायदा देखती है। तो मेरी तारीफ करने के लिए तो नहीं आई होगी। मुद्दे पे आ। मुद्दा ये है छुटकी कि मैं यहाँ तेरे लिए आई हूँ, क्योंकि मैं तुझे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। आज तेरे पास आखिरी मौका है, लेकिन अफसोस तू कुछ नहीं कर पाएगी, ना अंश को हासिल कर पाएगी और ना ही अपनी उम्र बढ़ा पाएगी। यही फर्क है हम दोनों में, तू बहुत जल्दी हार मान जाती है और मोहना ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। तेरे ये हिम्मत देखकर डोला का मन एक बार फिर से डोल गया, लेकिन अफसोस मौत को आज तक कोई नहीं हरा पाया है, और फिर मेरे होते हुए तू कैसे जीत सकती है? तुझे तड़पता देख डोला का मन एक बार फिर से डोल गया। मोना मरने वाली है। रूबी जहर फैलता जा रहा है, प्लीज जल्दी करो। मंत्र पढ़ा है, पेड़ की जड़ें आ रही है, देखो। शाबाश बेटा, शाबाश। रूबी, अंश तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक पूरा का पूरा पेड़ यहां ना आ जाए, जल्दी करो। रूबी जल्दी करो, जहर बढ़ रहा है। हमें अंश को पेड़ की तरफ ले जाना होगा। अविनाश जी, मेरी मदद कीजिए प्लीज। निशा जी, अब आगे क्या करना है? डायन वृक्ष को पता है कि उसे क्या करना है। निशान जी, ये क्या है? आप चिंता मत कीजिए, अंश को कुछ नहीं होगा। डायन वृक्ष डायन वंशियों को नुकसान नहीं पहुंचाता चैताली आंटी। भैया, हाँ फिराश। अंजी, ये जहर का असर कम हो रहा है। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सर्प त्रिनेत्र मणि हासिल करने के लिए पिया के पीछे गया है, और भाभी भी पिया के पीछे गई, लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिया को सर्प से कोई बचा सकता है तो वो अंश है, और अंश डायन वृक्ष में चला गया है। अब आप ही बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है। पंडित जी बताइए ना प्लीज, कैसे हम अंश और पिया को बचा सकते हैं? पिया दैविक है, वो अपना बचाव स्वयं कर सकती है। इस समय हमें
अंश को बचाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा खतरा अंश को है। सबसे बड़ा खतरा अंश को है? किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? इस दूध को देख रहे हो तुम? ये क्या? इसका रंग तो बदल रहा है, लाल हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, रक्त चंद्र पूर्णिमा की रात आरंभ होने वाली है और इस रात का मोहना को परसों से इंतजार था, क्योंकि यदि रक्त चंद्र पूर्णिमा की रात को वो अंश को खाएगी तो वो अमर हो जाएगी। इसलिए इस समय सबसे बड़ा खतरा अगर अंश को किसी से है तो वो मोहना से। उस दुकान को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन पहले मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन मैं कैसे निकलूंगी? मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इस रस्सी को तोड़ सकूं, और अगर आज की रात मेरे हाथ से निकल गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ? आपको यहाँ किसने बांधा? कुछ आदमी थे, मुझे यहाँ बांध के चले गए। मुझे बचा लीजिए। अरे आप डरिए मत, मैं अभी रस्सी काट देता हूँ। जी रस्सी कट क्यों नहीं रही? वो देखिए, वहाँ जवा कुसुम का पेड़ है, वहाँ से कुछ फूल लेके आएंगे। जी मैं अभी लेके आता हूँ। मैं फूल लिया, क्या करना है? अब इन फूलों को रस्सी पे डालिए। हाँ अभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, एक इंसान इंसान के काम आता है। इंसान इंसान के ही नहीं, डायन के भी बहुत काम आते हैं।